फाफा फिफी फाफा फाफा। क्या बोल रहा हूँ यार। हे दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज जो है हम गाली संपत, जो कि तेलुगु मूवी है जो 2021 में रिलीज हुआ है, उसका रिव्यू करेंगे। उससे पहले वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बात करें गाली संपत, तो गाली संपत का जो है रोल करते हैं राजेंद्र प्रसाद गारू, और वो जो है पूरा मूवी में बोल नहीं पाते, इसीलिए हमेशा फफा 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 करते हैं। इवन तो एक गाना भी है फफा फफा करके। तो उनका नरेटर के रूप में भाई सत्या को रखा जाता है, और उनका बेटा रहता है सूरी, जिसका रोल जो है श्री विष्णु करते हैं। तो इसमें जो है फादर और सन का जो है बॉन्डिंग को दिखाने का कोशिश किया गया है, और हद तक आपको इंटरवल से पहले दिखाया भी जाता है कि हाँ फादर सन का बॉन्डिंग। बात किया जाए स्टोरी क्या है, तो स्टोरी है कि श्री विष्णु जो है एक पिकअप गाड़ी चलाते हैं, तो वो चाहते हैं कि एक अपना गाड़ी खरीदें, तो इसीलिए वो बाहर से लोन लेना चाहते हैं। बट राजेंद्र प्रसाद चाहते हैं कि नहीं, हम ही उसको मदद करें, उसको बाहर से हेल्प लेना ना पड़े। तो यही स्टोरी को इतना ही मेन टॉपिक रखा गया और पूरा मूवी को बनाया गया है। इसमें जो है एक फादर और सन का जो है प्यार को दिखाया गया है, रिलेशन को दिखाया, बॉन्डिंग को दिखाया गया है, जो कि आपको इन ट्रबल से पहले काफ़ी हंसाएगा, काफ़ी इंटरटेन करेगा, प्यार भी दोनों के बीच में दिखाएगा, और अदर कास्ट जो है जितना वो भी आपको अच्छा खासा हंसाएंगे, कॉमेडी करके जाएंगे। उसमें जो है आपको एक लव स्टोरी भी देखने को मिलेगा लवली सिंह और श्री विष्णु के बीच, जो कि एक नॉर्मल लव स्टोरी है भाई। लव स्टोरी होता है नॉर्मल, लेकिन उसको जो प्रेजेंट करने का तरीका होता है वो आदमी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से दिखाता है, चाहे कुछ दिखाता है कि आदमी को इंटरटेन हो। लेकिन इसमें ऐसा लव स्टोरी दिखाया गया जिससे पहले दो तीन मूवी में ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। उसको जो ऐसा लग रहा है कि सिर्फ कॉपी सी और पेस्ट मार दिया है, कॉपी कंट्रोल प्लस भी पेस्ट मार दिया है, ऐसा कर दिया है, ऐसा लग रहा है। तो लव स्टोरी जो है बहुत नॉर्मल लगता है। हाँ, इसमें बोलिएगा कि ये मूवी जो है वन मैन शो है पूरा, आपको जो है राजेंद्र प्रसाद गारू पूरा मूवी में इंटरटेन करके जाएंगे स्टार्टिंग से एंड तक। बोलिएगा इंटरवल के बाद कैसा मूवी, तो इंटरवल के बाद जो मूवी अपना रास्ता पूरा भटक जाता है। उसमें एक ज़बरदस्ती कॉमेडी डाला गया है, जो बैंक मैनेजर और ऑडिटर के बीच वाला जो होता है वो कॉमेडी, साथ में इंटरवल के बाद जो एक सर्वाइवल मूवी बना दिया जाता है, और एंड में थोड़ा सा मतलब आपको जो है इमोशनल सीन दिखाता है, वो भी थोड़ा सा फादर और सन का बीच का। बोलिएगा कि इस मूवी में क्या क्या अच्छा है, तो इसमें आपको जो है राजेंद्र प्रसाद का एक्टिंग कमाल का है, साथ में BGM बहुत अच्छा है, गाना भी अच्छा है दो तीन। उसके बाद जितना सपोर्टिंग एक्टर है जब तक कॉमेडी करते हों काफ़ी अच्छे लगते हैं। उसका निगेटिव पॉइंट है तो भाई इसको ज़बरदस्ती इंटरवल के बाद खींचा गया है, टॉपिक से भटक जाता है, स्क्रीन प्ले बहुत स्लो हो जाता है, और सिर्फ मतलब कैरेक्टर का बात कीजिएगा तो कैरेक्टर बिल्डअप पे ज़्यादातर राजेंद्र प्रसाद पे ध्यान दिया गया है, ना कि उनका बेटा है श्री विष्णु। उनका कैरेक्टर जो है बहुत वीक रखा गया है, स्ट्रॉन्ग बनाया नहीं गया है। तो ओवरऑल मूवी दे बोलिएगा कैसा है, तो वन टाइम वॉच है, आप फैमिली के साथ देख सकते हो। इसको जो है भाई 11 मार्च को जो है तेलुगु में रिलीज किया गया था। तो ये मूवी को जो है तेलुगु ऑडियंस ने पूरी तरीके से नकार दिया था। तो इसको जो है आहा पर और अमेजन प्राइम पे जो है 19 तारीख को स्ट्रीम करना चालू कर दिया। तो आप इसको जो है आहा पर और अमेजन प्राइम पे तेलुगु में इंग्लिश सबटाइटल के साथ देख सकते हो। अगर आपने देखा है तो आपको कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइए। बोलिएगा इसको 10 आउट ऑफ कितना दीजिएगा, 10 आउट जो इसको मैं 6 देने वाला हूँ।